Good morning, class first. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS period. Please check out your All Green Word Part 1 book. Today we are going to revise the chapter My School and Plants Around Us. Okay. And after that, you will have your UT on Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay. मैं आज आपको रिवाइज कराने वाली हूँ आपके दोनों चैप्टर जो मैम ने अभी तक आपको पढ़ाए हैं और उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट होगा मंडे ऑनवर्ड्स तो आपको उसके लिए चैप्टर है उसको लर्न करना है विद स्पेलिंग लर्न करना है बिकॉज आई नो आप घर में स्पेलिंग लर्न नहीं कर रहे हो ओके यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड सो द फर्स्ट चैप्टर इज माई स्कूल इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट स्कूल स्कूल कहा नेम ऑफ योर स्कूल वेरी गुड इंटरनेशनल स्कूल सो हमने स्कूल के बारे में जब पढ़ा था तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अर क्लासरूम अपनी क्लासरूम में हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने क्लासरूम में लेस लर्न करते हैं हमारे क्लासरूम में क्या क्या होता है डेस्क बेंचेस ब्लैक बोर्ड डस्टबिन टीचर्स चेयर एंड टेबल नैप चार्ट पे बैठते हैं बेंचेस में बैठते हैं हम किस पे रखते हैं अपनी बुक्स और कॉपीज डेस्क में रखते हैं टीचर कहा लिखती है ब्लैक बोर्ड में लिखती है है नमने और क्लास रूम में पढ़ा था नेक्स्ट वॉर्स अदर रूम्स अदर रूम्स वो लाइब्रेरी ऑफिस मेडिकल रूम इन लाइब्रेरी वी रीड इन ऑफिस वी पेयर in medical room we provide medical facility to the children or teacher who are sick in library you can sit and read quietly in playground you play with your friends and in canteen you can buy any food items you want to eat okay next topic was थिंग्स वी डू एट स्कूल स्कूल में हम क्या क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप रीडिंग करते हो राइटिंग करते हो पेंटिंग करते हो ड्राॅइंग करते हो और क्या करते हो प्ले करते हो डांस करते हो ठीक है और स्कूल में आप क्या सीखते हो गुड मैनेस सीखते हो आपको मैम बताते हैं कि कोई भी टीचर आएगा तो यू हैव टू से गुड मॉर्निंग है ना मैम टोल्ड यू टू कीप कॉइट है ना और क्या क्या सीखा हुआ आपने शेयरिंग वी ऑल नो शेयरिंग इज केयरिंग हम अपने अपने फ्रेंड्स के साथ टीचर्स के साथ अपना फूड भी शेयर करते हैं अपनी बिलोंगिंग्स भी शेयर करते हैं है ना तो स्कूल में हम ये ये सब चीजें करते हैं द लास्ट टॉपिक वॉज पीपल हु वर्क एट द स्कूल स्कूल में जो जो पीपल होते हैं लोग होते हैं काम करते हैं सबसे पहले आपके प्रिंसिपल होते हैं प्रिंसिपल आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं टीचर कैसे पढ़ाएगी बच्चे कैसे लिखेंगे कहाँ पे लिखेंगे कौन सी बुक लगेगी ठीक है ये सब चीज़ें कौन करता है प्रिंसिपल करते हैं नेक्स्ट वन इज और टीचर टीचर क्या करते हैं आपको पढ़ाती हैं आपको गुड मैनर्स सिखाते हैं है ना तो टीचर्स क्या करते हैं आपको टीच करते हैं रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं आप जब बाहर जाते हो तो आप मैम से पूछते हो बाहर जाके कि मैम मुझे ये चाहिए कहाँ से लूँ है ना इस तरह से पूछते ना मुझे घर जाना है मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ ये यह काम आप कहाँ करते हो रिसेप्शन में जाकर करते हो सिक्योरिटी पर्सन वो जो आपके बाहर गेट में खड़े रहते हैं है ना आपके गेट में एक आंटी खड़ी रहती है ना वो जो भी आता है उनसे पहले पूछती हैं कि आप क्यों आए हो किससे लेना आए हो क्या करना आए हो है ना वो आपके सिक्योरिटी पर्सन हुई नेक्स्ट इज योर गार्डनर गार्डनर कौन होता है जो आपका प्ले होता है उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाता है और क्या करता है वो साफ सफाई करता है उसमें से जो बड़ी बड़ी घास होती है उसको निकालता है है ना और द वन इज प्योन प्योन कौन होता है जो आपकी स्कूल में छुट्टी होने पर रेसेस होने पे पीरियड ओवर होने पे बेल बजाते हैं वो आपके प्योन होते हैं आपको अपने स्कूल को क्लीन रखना चाहिए आपको अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको अपने फूड को और थिंक को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करना चाहिए ये गुड हैबिट्स आप स्कूल में सीख हो ओके सो नाउ यू हैव टू रिवाइज होल चैप्टर एट होम यू लर्न क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक और एनी अदर एक्सरसाइज यू हैव डन इन योर नोटबुक एंड बुक इंक्लूडिंग

ट्रीज कैसे होते हैं बहुत बिग और टॉल प्लांट होते हैं बहुत बड़े और लंबे प्लांट उन्हें हम ट्रीज कहते हैं वो वुडी होते हैं एग्जाम्पल इज मैंगो ट्री सम सम अदर एग्जाम्पल नीम ट्री पाइन ट्री कोकोनट ट्री बंजन ट्री पीपल ट्री एप्पल ट्री ओके शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स जो छोटे छोटे बुशी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं श्रब्स होते हैं उनमें भी वुड होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल रोज जैसमिन बोगनविलिया आर श्रब्स नेक्स्ट इज हर्ब्स हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो बहुत ही छोटे और पतले होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी नहीं होती है इनकी स्टेम कैसी होती है सॉफ्ट होती है बहुत फॉर एग्जाम्पल मिंट कॉरेंडर फेनोग्रिक स्पिनच एंड आर हर्ब्स मिंट पुदीना कोरिएंडर धनिया फेनुग्रीक मेथी स्पिनच इज योर पालक ठीक है नेक्स्ट इज योर क्रीपर्स क्रीपर्स कौन से होते हैं जो कि जमीन में क्रीप करते हैं क्रीप करना मीन्स रेंगना ठीक है और ज्यादातर जो क्रीपर्स होते हैं उनमें जो वो होते हैं फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत हैवी होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी बेल होती है वो नीचे गिर जाती है उसको क्रीप करना पड़ता है वो सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ नहीं सकती है और जो सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स क्या बोलते हैं उसे क्लाइंबर्स क्योंकि वो स्टिक में क्लाइंब करती है ओके एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन मनी प्लांट पी प्लांट वट प्लांट नीड टू ग्रो प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए सॉइल एयर वाटर एंड सनशाइन उन्हें मिट्टी चाहिए होती है उन्हें एयर यानी हवा चाहिए होती है वाटर चाहिए होता है और सनशाइन चाहिए होता है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मैम ने आपको बताया था रूट स्टेम लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट उसके अलावा मैम ने आपको टू और बताए थे वन इज योर बर्ड अदर इज योर ऐसे करके जो बाहर निकलती है ब्रांचेस ठीक है बर्ड क्या होती है हमारी कली अंडर रूट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है रूट उसके ऊपर हमारी होती है स्टेम स्टेम से फ्रूट होता है फ्लावर होता, होता है और बर्ड होता है ओके वो टू द नेक्स्ट स्टेज हमें जितने भी पॉटेड पॉटेड प्लांट होता है यानी गमले में लगे हुए प्लांट होते हैं उनको रोज पानी देना चाहिए हमें उन्हें में रखना चाहिए और हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए बिकॉज वो एयर को बहुत फ्रेश बनाते हैं और जो प्लांट होते हैं वो किस से उगते हैं सीड से किसमें से उगते हैं सीड से आपने वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना जिसमें आपने चने के दाने को भिगाया था फिर उसके बाद उसमें देखा था तो उसमें से स्प्राउट्स निकले थे है ना कुछ बच्चों ने मुझे एक्सपेरिमेंट करके वीडियो भी भेजा है वेरी गुड काव्या एंड वानिया है वीडियो ऑफ द सेम वेरी गुड मान काव्यास प्लांट्स प्लांट्स के यूजेज क्या होते हैं प्लांट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वो हमें फ्रूट देते हैं वेजिटेबल्स देते हैं ग्रीनस देते हैं और पल्स देते हैं है ना ये सब चीजें कौन देता है हमें प्लांट्स देता है और क्या देता है प्लांट्स हमें टी कॉफी शुगर वुड भी देते हैं जिससे हम फर्नीचर बनाते फर्नीचर है, है, बनाते हैं अपना कॉटन देता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट बहुत सारे एनिमल्स को जो अपना फूड मिलता है वो भी कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है काउ, जिराफ, एलिफेंट ईट लीव्स एंड ग्रास। जैसे मैम ने आपको बताया था कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होता है हर्बिवर्स होते हैं वो सिर्फ हर्ब खाते हैं यानी घास खाते हैं और ग्रेसेस खाते हैं और क्या खाते हैं लीव्स खाते हैं वो कभी भी फ्लैश नहीं खाते उन्हें हम क्या बोलते हैं हर्बी वोर्स ठीक है और जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं वो भी क्या करती हैं प्लांट्स का सीड खाती हैं मैनी एनिमल ईट फ्रूट्स और प्लांट बहुत सारे एनिमल फ्रूट्स भी खाते हैं प्लांट के जैसे आपको पता है मंकी मंकी आम के पेड़ में से आम तोड़ लेता है केले के पेड़ से केला तोड़ लेता है, है ना तो इसलिए प्लांट के बहुत यूजेस हैं एक तो एयर को फ्रेश करने में ऊपर से हमें खाना प्रोवाइड करने में so with this a class end here you have to revise all the exercises you have done in your notebook and book and you have to practice diagrams also okay class with this a class end here i will see you the next time till then stay home stay safe